हम इस वक्त बागवान स्कूल किश्तवाड़ है वहाँ पर बने हुए हैं, जहाँ पर कुछ घंटों पहले जो बीजेपी की कैंडिडेट है और पीडीपी के जो कैंडिडेट है उनके बीच एक गर्मा गर्म बहस हुई थी। उसके बाद जो शगुन परिहार है उसने इल्ज़ाम लगाया था कि फिरदौस टाक ने उनको हैकल किया है, यानी कि उनके साथ धक्कम दुक्की की, जबकि फिरदौस टाक ने इस चीज़ को डिनाई किया और उनका कहना है कि शगुन जो है उनकी बेटी के सम्मान है और वो उनकी बहन के सम्मान है, वो इस बारे में सोच भी नहीं सकती है। और फिरदौस टाक का साफ कहना है कि जो बीजेपी है वो इस वक्त बौखलावट का शिकार है और बीजेपी जो है वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ में ट्रबल क्रिएट करके जो है वो वोटिंग को यहाँ पर सिलो प्रोसेस कराना चाहती है ताकि लोग जो है वो वोट ना डालें, जबकि उसका मैंडेट नहीं है वो किसी का बुरका उठाए, किसी का वोटर कार्ड चेक करे, ये प्रेजाइडिंग ऑफिसर का काम है। जिस प्रेजाइडिंग ऑफिसर के पास मैं बता दूं कि ऑलरेडी जो है वो एक फोटोकॉपी की जो वोटर लिस्ट है वो मौजूद है, और अगर किसी को किसी पे शक होता है बीएलओ के पास एक ऐप है जिसमें अगर नाम डाला जाता है तो उस पर पूरा वोटर की फोटोग्राफ्स और आइडेंटिफिकेशन जो है वो आती है। और आज नॉमिनल मैं कहूँगा कि 1% से भी कम चांसेस है कि कोई वोट जो है वो किसी और की जगह डालेगा। अभी तक हमारे पास सिर्फ 2 इस तरह के इंसिडेंट्स आए हैं। एक ठकराई से इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है जहाँ पर किसी और की जगह किसी ने वोट डाला है, उसको जो है वो रूल्स के हिसाब से टेंडर वोट जो है वो डलवाना है और जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर है वो उसको लिखेगा कि इस डायरी में नोट करेगा कि ये शख्स जो है इसकी जगह किसी और ने वोट डाला है। बाद में क्योंकि आजकल फोटोग्राफी वेबकास्टिंग हर जगह हो रही है, ऑफलाइन ऑनलाइन जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि उसके अलावा इसी पोलिंग स्टेशन पर एक केस आया है, ये बताया गया है कि आपका बैलेट वोट जो है वो डाला गया, जबकि वो शख्स न मुलाजिम है न कुछ है, बल्कि यहाँ पर एक नॉर्मल जो है वो जो मजदूरी का काम करता है उसका जो है वो वोट डाला गया है। जो ये 2 ही इंसिडेंट जो है वो यहाँ पर आए। अभी भी जो है वो हमें बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल से खबरें मिल रही है कि वहाँ पर भी बीजेपी की कैंडिडेट अभी मौजूद है और इसी तरह का जो है वो वहाँ पर वो आधार कार्ड आइडेंटिटी कार्ड जो है वो चेक कर रही है, जबकि ये जो लीगल एक्सपर्ट्स जो है जो इलेक्शंस के रिलेटेड जो एंगेज है इस प्रोसेस में उनका ये कहना है कि ये कैंडिडेट का काम नहीं है, वो जाकर जो है वो शिकायत कर सकती है और उसको जो है वो चेक किया जाएगा। हमारे साथ यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिटी प्रेसिडेंट है, हम चाहेंगे कि वो थोड़ा सा चिनाब टाइम्स के व्यूवर्स के लिए जो है वो यहाँ पर बात करें। नसीर साहब, सुबह से हंगामा लग रहा है, हमने देखा कि गन भी जो है वो पार्क की गई, पीडीपी के जो कैंडिडेट है उनका ये भी इल्जाम है कि उनको थप्पड़ मारा गया, उनको हैकल किया गया, तो आप क्या बताएंगे उसको असल्ट किया? बेसिकली एक वजह ये है कि यहाँ जब सुबह से पोलिंग शुरू हुई, पोलिंग बड़े पुरामद तरीके से हो रही थी, लोग जो वोट डालने आ रहे थे, मगर अचानक एक ऐसा माहौल यहाँ तैयार किया गया जो अननोन पर्सन है जो यहाँ का लोकल वोटर है, और लोकल वोटर जो है पुरामन तरीके से वोट डाल रहा था, मगर अननोन पर्सनों का एक बड़ा जमाड़ा जो है यहाँ पोलिंग बूथ के अंदर घुसा अंदर, और बाद में जो हमने देखा, हमने उनको बार बार अपील की, गुजारिश की कि ये जो पोलिंग बूथ है यहाँ जो वोटर हैं वोट डालने आ रहे हैं, आप मेहरबानी करके हल्ला मत कीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन भी कहीं ना कहीं वहाँ बेबस दिखाई दी और एडमिनिस्ट्रेशन का जो रवैया था वो इस तरह के साथ कि अननोन पर्सन जो है अंदर घुस गए। हम मैंने बार बार यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की कि ये जो लोग अंदर हैं ये वोटर नहीं है, ये दंगाई है। दंगाइयों ने पूरी तरीके से ये कोशिश की कि इस पोलिंग बूथ को हाईजेक किया जाए, इस पर हमला किया जाए, यहाँ की वोटिंग रोकी जाए, मगर लेकिन यहाँ का जो पुरामन शहरी है, पुरामन वोटर है, उसने अपना जमहूरी हक जो है इस्तेमाल किया, वोट डालने की पूरी कोशिश की और उस दंगाइयों को और फसादियों को और जो दंगा करना चाहते थे उनके मंसूबे को नाकाम किया गया। मेरा एक मानना, एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, जिस तरीके से इस बूथ पे बंदूकें काप की गई, जिस तरीके से एक कैंडिडेट के ऊपर हाथ उठाया गया, ये बड़े ही शर्मनाक चाहे वो आपके ओपोनेंट ही कैंडिडेट। हम सियासत हमारी 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 पार्टी और हमारा लीडर जो है सुबह से, हमारा जो कैंडिडेट है सुबह यहाँ पे आके तमाम कारकुनों को हिदायत जारी की गई कि कारकुनान वोट डाल के अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो जाए, कोई भी हल्ला यहाँ नहीं करेगा। उसके बराए कस जो यहाँ देखा गया तो कुछ एक जमावड़ा है वो पूरी तरीके से बूथ के अंदर घुस गया और कुछ लोग जो थे, मैंने बार आपसे पहले भी कहा कि जो वोटर ही नहीं थे यहाँ के, उन्होंने हमला किया। और हम इसकी कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हैं, जो रवैया यहाँ पे एक कैंडिडेट के ऊपर हाथ उठाया गया, उसके बाद जो यहाँ पे दूसरे लोगों ने बाहर से लोगों हमला करने की कोशिश की, मगर एक चीज़ वाजिया है कि लोग जो है जमहूरी ढंग से जमहूरियत को और वोट देने के लिए तैयार थे और वोटरान ने बिना झिझक के वोट डालना जारी किया। और हमने एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की कि जो आधा घंटा वहाँ ज़ाया हुआ उसको पूरा किया जाए, टाइम हमें और दिया जाए, हमारे वोट एक्सटेंड करें और वोटर जो है पुरामन तरीके से एक मजबूत
बड़े अच्छे तरीके से वोट डाल रहा है। तो आप इसको कैसे देखते हैं, इस इलेक्शन को फिर से हिंदू और मुस्लिम की बदकिस्मती की बात है। ये जो इलेक्शन होते हैं, ये मुल्क हिंदुस्तान, हमारे यहाँ मुल्क हिंदुस्तान में एक जमहूरी जश्न होता है, उस जश्न में लोग अपना हिस्सा लेते हैं और इस हिस्से में ये चीज़ें होती है कि हम डेवलपमेंट के जरिए अपने लीडरान को चुने और डेवलपमेंट के जरिए आवाम तक पहुँचे और एक पुल का काम एक लीडर करें। मगर लेकिन बदकिस्मती से यहाँ जब इलेक्शन शुरू हुए, एक नैरेटिव पैदा करने की कोशिश की गई, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, और उस हिंदू मुस्लिम को बढ़ाते बढ़ाते आज की डेट में मुझे यह लग रहा है कि जो आम वोटर है उन जिन लोगों ने इस चीज़ को इस हवा को बनाने की कोशिश की, उनके ऊपर मुँह के ऊपर एक तमाचा डाला और वो नाकाम है, वो बौखलाहट में है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक जमहूरी ढंग से एक डिसिप्लिन जमात है जिसके वोटरान भी डिसिप्लिन रखते हैं और लीडर भी डिसिप्लिन रखते हैं। हमारी भी यही लोगों से गुजारिश है, जो वोट डाले जिसको मर्जी है वोट डाले, हम ये नहीं कहेंगे, वोटर का अपना राइट है और जो लीडर सही होगा उसको वोट डाले, जो लोगों के बीच में होगा उस लीडर को वोट डाले। और मेरी ये गुजारिश होगी, जी हार जीत मैटर नहीं करती है, जीत उसी की है जो यहाँ की आवाम को साथ, दोनों कम्युनिटीज़ को साथ लेके चले। अगर यहाँ कोई ये की चीज़ कोशिश करे कि हम एक कम्युनिटी को साथ लेके चले और वोट हासिल करें, तो ये सीधे सीधे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि दूसरी कम्युनिटी को हटाने का काम हो रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है जो हमने आज मैंने पहली बार देखा, पूरे तरीके से जो वोटर जो है वोट डालना चाहता है मगर दंगाई जो उनको वोट डालने नहीं देना चाहता। और इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है जो नैरेटिव एक सेटअप में पैदा करने की कोशिश हुई और जो इस बूथ को टारगेट किया गया इस वक्त, बल्कि यहाँ का जो वोटर है उसने यहाँ कोई मसला नहीं किया। एक ये जो हमारा पोलिंग बूथ है इसके अंदर शक्तिनगर के लोग भी वोट डाल रहे हैं, इसके अंदर सिमना के भी कुछ लोग वोटर हैं, इसके अंदर कुछ और बाकी लोग भी हैं। तो ये चीज़ें सारी जो है एक बौखलाहट का शिकार है, ये लोग बौखलाहट के शिकार हैं और ये चीज़ें करने की कोशिश ताकि वोटिंग को रोका जाए, वोट परसेंट कम हो और यहाँ ताकि ये जो अपनी नाकामियाँ हैं जिन्हें हिंदू मुस्लिम की तरफ ले गए उसको कामयाबी की तरफ दे और अपने वोटरों को बढ़ाए और हमारे जो वोटर हैं उनको रोका जाए। थैंक यू नसीर साहब तजनाब टाइम से बात करने के लिए। अभी हमारे पास इन्फॉर्मेशन ये आ रही है कि संग्रह भाटा में जो है वो मशीन ख़राब हुई है, वहाँ पर पोलिंग रुकी हुई है। सुबह जो है वो हिडिया जो हमारा जो एक पीएचई का एक पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर भी जो है वो खबर आ रही थी कि मशीन ख़राब हुई थी। अभी जो इलेक्शन अथॉरिटीज़ है जहाँ पर भी डिले हुआ है पोलिंग्स में मशीन की खराबी वगैरह की वजह से, वो जो है वहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। और मैं ये भी बता दूँ कि 6 बजे तक जो भी शख्स वोटर जो है पोलिंग स्टेशन के अंदर घुसेगा, वो चाहे वो रात के 10 बजे हो 11 बजे तक बच जाए, वो वोट जो है वो डालेंगे। अभी तक 58% जो है वो 1 बजे तक जो है वो वोटिंग हुई है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की तीनों सीटों पे। हमारी नज़र जो है वो इस पर बनी रहेगी, आगे भी हम आपको वीडियो दिखाएंगे इस इंसिडेंट के लिए। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिरदौस साहब, बीजेपी कैंडिडेट शगुन परिहार एलिजेस डेट यू हैव हैकल्ड हर, व्हाट यू हैव टू से ऑन दिस? देयर आर एनफ वीडियो एविडेंसेस टू प्रूव दैट द ओनली थिंग आई डिड वाज टू ऑब्जेक्ट टू हर वे ऑफ क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम एंड स्टॉपिंग द पोलिंग इन द पोलिंग स्टेशन। शी विदाउट एनी अथॉरिटी नॉट ओनली स्टॉप द पोलिंग, शी ट्राइड टू हैकल द वोटर्स एंड इवन पुश्ड सम ऑफ द वोटर्स हु वर प्रेजेंट इन द क्यू, claiming that they don't have an identity proof. The only thing I did was to object the way the BJP candidate created a problem, stopped the polling at a polling station which is predominantly Muslim majority polling station. Probably she had a plan because she was accompanied by the goons, some of her were drunk. She heckled some of the voters, stopped the voting and was standing in front of the gate, was not even allowing the polling staff to start the polling. When I arrived at the scene, I requested her that as a candidate, she doesn't have an authority to check the identity proof of the voters. If she has a problem, she has a dispute, she has to raise the concern with the presiding officer, which the presiding officer on the spot agreed to. In the meanwhile, some of the BJP goons tried to attack the voters. We requested the police to clear the polling station, but it took 1.5 hours for the police to clear 4 BJP personnel from the spot.
वन ऑफ द बीजेपी एजेंट हैड अ पीएसओ, ही इवन कॉक्ड हिज गन एंड ट्राई टू शूट मी ऑन द स्पॉट. इन द मीनवाइल व्हाइल आई वाज रिक्वेस्टिंग द पुलिस ऑफिसर टू क्लियर द सीन, वन ऑफ द पुलिस ऑफिसर असॉल्टेड मी, ही किक्ड मी, ही पंच्ड मी, ही स्लैप्ड मी. दैट इज टू प्रूव दैट बीजेपी इज नॉट अलोन इन दिस गेम प्लान. Despite the best efforts by the Election Commission, the police is trying to work as the agent of the Bharatiya Janata Party to disturb the peaceful atmosphere and peaceful polling in Kishtwar.